हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा मोली फिश के बारे में, जो मोली फिशेस को कौन सा खाना देना चाहिए और मतलब फिल्टर क्या यूज करना है वगैरह वगैरह। आज किस इसको कितना कैसे केयर करेंगे इसके बारे में आज मैं बात करूंगा गाइस। जो मोली फिशेस का तो बहुत सारा वेराइटी आता है, जो मोली फिशेस जो चॉकलेट मोली और बेलून मोली और भी बहुत सारे वेराइटी है जो मोली फिशेस, उसको कैसे केयर करेंगे। जो मेरे पास में यहाँ पर भी जो आप देख सकते हो, जो मैं मोली फिश रखा हूँ अभी 15 या 16 फिशेस है यहाँ पर। और जो फिशेस को, जो मोली फिशेस जो होता है बहुत हार्डी फिशेस होता है, वो बिना ऑक्सीजन से भी सर्वाइव आराम से कर लेता है जो मोली फिशेस गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और आप जब मोली फिशेस घर में रखते हो तो कुछ भी नहीं फर्क, मतलब आप बिना ऑक्सीजन में भी रखो बिना लाइट में रखो वो सर्वाइव कर लेता है। मोली फिशेस बहुत बहुत हार्डी फिशेस होता है, जैसे कि 7 फिशेस की तरह ऑस्कर पैरोट की तरह हार्डी फिशेस होता है जो मोली फिशेस। और उसको प्लांटेड एक्वेरियम भी थोड़ा पसंद है। और खाना तो जो पैलेट्स आता है ऑप्टिमम मोटायो का जो फिशेस आता है वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जो बल में रखते हो मोली फिशेस को यहाँ पर मत रखो, एक छोटा एक्वेरियम बना लो और यहाँ पर मोली फिशेस का रखो। जो मोली फिशेस को जो छोटा एक्वेरियम पर क्या जहाँ पे रखते हो और एक एक्वेरियम पे रखते हो तो मतलब जो फिल्टर यूज करो गाइस, फिल्टर यूज करने से बहुत अच्छा रहेगा। जो विंटर सीजन में आप फिल्टर भी यूज करो, नहीं तो वाइट स्पॉट आ जाएगा, फिर फिशेस को वाइट स्पॉट आ जाएगा फिर मर जाएगा। इसलिए आप इस्तेमाल करो हीटर और अब छोटा स्पंज फिल्टर यूज करो, ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा और पानी को भी साफ रखेगा। जो जो वेस्ट फूड वगैरह होता है ये स्पंज फिल्टर मतलब काम हो जाएगा स्पंज फिल्टर से। और जो पानी अब यहाँ पर तो मैं जो मोनी प्लांट आप देकर भी रख सकते हो, नहीं तो एक ऑनलाइन से जैसे कि प्लांटेड एक्वेरियम ऑर्डर करके आप ग्रो कर सकते हो यहाँ पर भी मोली फिशेस को। मोली फिशेस बहुत जल्दी भी ग्रोथ कर जाते हैं और उसका बहुत सारे कलर भी है। आप ऑप्टिमम फिश फूड यूज करो जो हमारा मोली फिशेस के, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। जो मोली फिशेस को ये मतलब जो पानी भी ऑप्टिमम फिशेस गंदा नहीं होगा क्या, मोली फिशेस को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बीमारी भी कुछ भी नहीं होगा जो मोली फिशेस को। आप सिर्फ एक पानी को थोड़ा हाफ हाफ पानी चेंज करते रहोगे, जो 50% वाटर एक्वेरियम वाटर होता है उसको थोड़ा चेंज करते रहना है। एक वीक में वन वीक में 50% पानी चेंज करो, पानी भी साफ रहेगा और फिशेस भी अच्छा ग्रोथ होगा, उन लोग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। 50% 50 या 70 आपका मर्जी है, आप कितना मतलब पानी निकाल रहे हो और कर रहे हो ये आपका मर्जी है। आप बहुत अच्छा रहेगा आप 50% में पानी चेंज करो, यहाँ पर फिशेस को कुछ भी तकलीफ नहीं होता है और आराम से भी सर्वाइव कर लेता है। या आप मोली फिशेस को जिसके साथ भी फिशेस के साथ रखते हो, जो जैसे कि गप्पे गोल्ड फिश शार्क कोई अब जिसमें भी रखो वो आराम से रह जाएगा। जो प्याटी भी आता है और जेवरा और ऑस्कर पैरट वगैरह नहीं, ऑस्कर के साथ नहीं रह जाएगा, ऑस्कर खा लेगा हमारा जो मोली फिशेस को। आप जैसे नॉर्मल फिशेस जो गोल्ड फिश कोई यहाँ पर आराम से रख सकते हो, सर्वाइव भी कर लेगा आराम से। मोली फिशेस तो मैं जैसे कि बोला गंदा पानी में भी आराम से रह सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और उसको सिर्फ एक फूड देना है ऑप्टिमम फिश फूड डे में, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में आप फीड करो जो मोली फिशेस को। इतना ही था गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय।